हेलो भाई, अरुण पवार इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। अभी आकाश पवार के साथ मैं भाई खड़ा हुआ हूँ और हमारा जो न्यू फ़ोन हमने इसके लिए लिया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक छोटी सी यूएसबी केबल के थ्रू। यूएसबी नहीं, टाइप सी वाली पड़ी थी मेरे पास, मैंने लगा दिया। ये पता नहीं क्या बोलता रहता है, चेक यूर चार्जर कनेक्शन। यार ज़िंदगी में दुख ख़त्म नहीं होते। खैर मज़े की बात ये है, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी स्कॉर्पियो एन कब आएगी और आज मैं आपको हाँ कर रहा हूँ यार तू, और मुझे बता दो, बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कॉर्पियो एन वापसी आ चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 6:20 और हमको अभी जाना पड़ रहा है कहीं पे इमरजेंसी में एक जगह घूमने के लिए। तो चलिए, अरे ये डैम इतना बदमाश है ना भाई, निकलते बढ़ते सब मोटरसाइकिल वाले ने देखो। ओ बदमाश, ओ बदमाश, घर बड़ा बदमाश है तू। यहाँ से देखो, बाल करने जीन ना थे भाई, कुत्ता ने दुखी कर रहा है हमारे पूरे पड़ोस। मतलब ये हो गए, मतलब सब इसको गालियां देते हैं इसको, हमारे इस कुत्ते को, कि कहा यू। मतलब लोगों लोग ट्राई करते हैं इसको धमकाने की, मारने की, मतलब मारना इन द सेंस ऐसे एक दो इसमें डंडी वंडी चटका दें, पर ये सुधरता नहीं है। लोगों ने ट्राई भी किया है, इसको गालियां भी बकते हैं मोटरसाइकिल पर। जो कोई जैसे जिसकी ईगो हर्ट हो जाती है, जो कोई डॉन रहता है ना, वो उल्टा पैर भी चलाता है इसकी तरफ, पर भाई जानवर है, ये समझता ही नहीं है यार। अब हम इसको धमकाते हैं तो ये समझता उसको सेकी, कि हम मुझसे कह रहे हैं कि और ज़्यादा गुथ, और ज़्यादा गुथ, ये उसको इस तरीके से लेके जाता है, इज टोटली रॉन्ग। और गुरु ठीक है, ढंग से आराम से प्यार से चलाया कर, है ना यार साइकिल है भाई। हमारे गांव के इतने बदमाश बालक हो रहे हैं, ऐसे गाड़ी उसको चलाते हैं साइकिल को, बस पूछो मत। आओ जी सरकार, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद आज स्कॉर्पियो एन में बैठ के, सही सही बताओ मेरे को। मोटू तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने अगने मूतने शेरा खिलाने से मिली है, शेरा खिलाने बड़ा हो रहा है वो, खाना जाए तेरे को, संभल के कुनाल को खा गया था बाय। तो भाई मोटे और उस पतले की तरह ये भी हमारा एक भांजा है। और देखो हमारा, मैं आज आपको गांव की अपडेट देता हूँ। चलो देखो कैसे लोगों ने ट्रोली खड़ी कर रखी है। जीतू भाई सुधर जा, मुझे पता है तू ये वीडियो देख रहा होगा। बस्ती में ऐसे ही चले सबको। अरे मौसम कितना भयंकर है रो आकाश, दोबारा बारिश आने वाली है। आ जा यार, घास फार्म के हमारे तो सूखती जा रही है, कितना ही पानी दे लो। पहले कहीं तो थे भाई, कोई सेंस नहीं है घास वास का, तो कोई बना रहा है यार वाटी का, ये तो घास हरी रखनी है। एक तो भाई ये ना, हम इससे दुखी है, इसकी पीली बत्ती यार, इसमें पता कितने का तेल डल चुका है ऑलरेडी। फारम जी हम अभी आ रहे हैं, मैं आके पानी लगाऊंगा इनमें आके ना, मैंने सोचा था, बट लेट्स गो। देखो कुत्ते कैसे भागते हैं रोड पे। तो भाई लिटिल लिटिल जर्नी एंजॉय करते हैं, गाने लगाते हैं। स्कॉर्पियो एन बैक हो चुकी है मेन चैनल पे, देखना कितने का खर्चा बैठ गया एक्सीडेंट के बाद, रिपेयर हो गई मतलब टोटली। और अब हमको ये छजनी चाहिए, मैं तो ये होप करता हूँ, वरना तो भाई फिर भरोसा उठ जाएगा मेरा, कि मतलब भरोसा उठ नहीं जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि नंबर नंबर और ये चीज़ों का फर्क पड़ता है जिंदगी की लाइफ में, वरना आज तक हमारे साथ कभी ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटी जैसे दिन इस गाड़ी ने हमको दिखाए हैं। ओके जी, लाइक करें। तो मेरे भाइयों व्यू देखो, कई बार कितना खतरनाक व्यू मिल जाता है यार, नेचर कितनी ब्यूटीफुल है। अभी मैंने यू टर्न मार ली गाड़ी, अभी मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं हूँ बिल्कुल भी। जोमेटो वालों ने आज मेरे को बहुत परेशान करा, मैंने ऑर्डर मंगवाया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, भाई कम से कम 2 घंटा में ऑर्डर डिलीवर करा, पर चलो गांव देहात में कर देते, अच्छी बात है। देखना कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी स्कॉर्पियो एन, वाह पूरी बन गई भाई टोटली A to Z, ये देख रहे हो पूरी कंप्लीट। कह रहा भी उल्टा जा रहा हूँ भाई मैं घर पे, बस थोड़ी दूर ही आए थे 1-2 किलोमीटर, वीडियो बंद ही करी थी, तभी इसने कहा कि अरे वो एल्बम कैसेट ले चल, क्योंकि एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो वो देख लेंगे यार उन कैसेट और एल्बमों को। वैसे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी दोस्तों, जैसे आकाश की ब्याह की एल्बम बन गई है, हम ले भी आए एक दिन, अब उसको हमने एक बार देख लिया, अब हम उसका करें क्या। मतलब फिर हर चीज़ का ऐसे होता है भाई, अब वो ऐसे रोटेट होगी रिश्तेदारी में, सब देखेंगे पूरे फोटोज, फिर वो 5 मिनट में तो वो मेमोरेबल होता है, तुम मम्मी पापा की ने अब ना देखे। अच्छा अब मतलब साल में कोई 4-5 साल में 1-2 बार निकल गई तो निकल गई, वरना तेरा वो क्या है कहने का तात्पर्य है। मेरा तात्पर्य ये है कि ये बनवाना बनवाना आजकल अब बंद कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अब क्या करना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी लो और एंजॉय मारो। तो लैपटॉप अच्छे हो तो मतलब सॉफ्ट कॉपी में फोटो देखने में और एल्बम में देखने में कोई फर्क ना है भाई, मुझे तो नहीं लगता यार, आप लोगों को लगता है भाई है?
कुछ फर्क है, वो खराब हो सकती है, ये कभी खराब हो सकती है सॉफ्ट कॉपी में, एक बार गूगल फोटोज में डाल दो। सॉफ्ट कॉपी खराब नहीं होती, और वो हार्ड और भी तो बेनिफिट है, 100 GB तो मिल रहा है तेरे को, और भी तो बेनिफिट होते हैं, अब इसको कौन बताए भाई, छोड़ो यार। कभी प्रोफेशनलों से मिलेगा ना भाई, जो जीमेल होता है ना, लोगों को जो लगता है कि जीमेल पे कितने मेल आते हैं, एक लिमिट के बाद जीमेल फुल हो जाता है। भाई मेरा कोई साल दो साल पहले फुल हुआ पड़ा है, मैंने एक्स्ट्रा डाटा लिया था, वरना जिनका फुल हो जाता है उनके पास मेल नहीं पहुंचते। ये फ्री नहीं है जीमेल वीमेल की, कितनी मैसेज कर लो व्हाट्सएप की तरह, इसकी लिमिट है। इसमें 15 GB काउंट होता, 15 GB मेल फुल हो गया, अटैचमेंट वगैरह, डेट्स इट, खत्म, फिर एक्स्ट्रा लो। वो अलग बात है कि आप नई ईमेल बना लो उसमें कर लो, पर जिसका बिजनेस ही इससे ओरिएंटेड है ना, वो ओरिएंटेड बताएं जो भी बट है, समझ रहे हो ना आप, वो नहीं करेगा भाई, उसको दोबारा मतलब लेनी ही पड़ती है, एक ही मेल पे अगर काम कर रहा है। दोबारा जल्दी से ले लेता हूँ यार वो पेन ड्राइव और वो शादी की एल्बम देख लेंगे कोई, हमारे तो एम ही पड़ी है। पेन ड्राइव भी दे दी चुका है को, ओहो यार, या मैंने आके फोन फोड़ दूंगा यार के काई दिन, किसके भाभी के, साइलेंट पे पता ना कहां रख, साइलेंट पे रखने का इमरजेंसी पड़ जा चाहे, देख रहे हो कैसे गुस्सा करता है वाइफ पे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा ही है गाइस, पर प्यार भी बहुत है, गुस्सा जब जहाँ पे गुस्सा रहता है वहीं पे प्यार रहता है। ए, देखो दो दो एल्बम ले आया आकाश के भैया की, दो एल्बम बनवाई हमने भाई, जरा डीजल और डलवा लेते हैं, एक तो टैंक के बहुत छोटा है ना, तो इतनी बड़ी के हिसाब से लगता हमको बहुत वो है, बताओ 4670 रुपये का चूज गए, इसमें आना चाहिए कम से कम 6600-7000 रुपये का तेल, जब मजा आए 4700 इतना मत भर, 4800 कर दे लास्ट बस भाई, मुश्किल से हफ्ता चला देना ये बहुत बड़ी बात होगी, मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब इसमें चलाते हैं, जब इसको भगाते हैं ना, जब इस गाड़ी में बैठते हैं, तब फील आती है कि यार तेल जो फूक रहा है ना इसमें, डीजल सही जगह फूक रहा है, फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है। बड़ी गाड़ी है, भारी इंजन है, क्यों अभी छोरा कह मोते पेट्रोल भाओ भाई, वीडियो बना हुए कई चीज के वीडियो बना हुए, अरे भाई मैं तो न्यू टाइम पास करता रहूँ आजकल, जहाँ देखो फोन लगा तो घूम ही रहे हो, बराबर दिख रही है बराबर है, पर तुझे अपनी आँख का इलाज करवाना चाहिए और कुछ नहीं, देख तू ताऊ है मत मारती है, कौन सा ताऊ है ये, अरे नहीं खेत कमर्शियल यूज में ना ले सके, खेत तो वैसे रहे, इन सब ने भी तो देखिए अपना काम धंधे जमा रखे यार खेतन में, तू जमा ले भाई क्या दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यही आड़त बना दी, देखियो आड़त बना दी, देख मंडी बना दी, अच्छा जी हाँ, और देखो याने तो वाटिका ही पर वैसे पीछे भाई, अभी ये ट्रॉली वाले मस्त खड़े थे, हमको लगा है आगे ले रहे होंगे, बार भाई ये तो ऐसे मतलब वो खलाने लग गए, ऐसे नहीं कि इनको पहले निकल जान दे, उठाने की ज्यादा जल्दी है यार, गांव देहात में किसी कुछ कह भी नहीं सकते ना, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम पहले खला लो, हम 5 मिनट वेट कर लेंगे, हमारी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, कितनी शरीफ है यार ये, पहले खल जाएगा तब हटाएंगे ट्रैक्टर को, तब किसी को निकलने देंगे, और कोई गांव को कह भी ना रहे हो पहले, इनको कहीं नहीं, न्यो भी ना कहीं, कहीं नहीं भाई, 2 मिनट रुक जाओ या हम पहले गाड़ी खला ले, कुछ नहीं अपना मस्त खड़ा है वाला, खड़े रहो, इतना कौन सा गांव है यार, यू बड़ा कितनी देर लगी, अगर तू भी कुछ भी बोलता है, मुझे कोई पसंद है नहीं पसंद, ये बहुत का सीजन है भाई जिम्मेदार आदमी का ना, ताऊ है बताओ कितनी मेहनत, ये हरियाणवी ताऊ, और इनकी ट्रॉली कितनी सी है, वही तो इनकी तो बहनी छोटी ट्रॉली बुक में, और ये फिर अच्छा भीतर अपने घर में ले जाएंगे है ना बाद में, चलो कोई बात नहीं, किसी ना किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमने कर लिया ये की बात है, कोई नहीं गाड़ी की कुछ भी कहो, लोगों को लगती है, मैंने बहुत जगह सुना पुअर, बट किया या क्रेटा चलाने वाला बंदे को ना ये लाइट्स बहुत प्यारी लगेंगी उसके कंपैरिजन में। अब आ गए भाई घर पे, ये शीशा वीशा देखो पूरा लग चुका है इसके अंदर, अब यही फिर से वो दिक्कत हुआ करेगी, अब तक तो ठीक थी मौज आ रही थी,
अब मतलब कुछ आगे पीछे नहीं करना पड़ता था, एक गाड़ी हुआ करती थी, अब फिर से वो आगे करो पीछे करो वो वाला सिस्टम यार खराब हो गया फिर से। बट एनीवेज भाई, ये था आज का लिटिल लिटिल सा मिनी मिनी सा व्लॉग। भाई कहते रहते हैं भाई डाल दिया करो, तो मैं ठीक है ब्रदर्स डाल दिया करूँगा कुछ इस चैनल पे भी। वीडियो लगाने का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकाश कर रहा है अभी किया को आगे हो जाएगा सेटलमेंट पूरा डन। थोड़ी अगर हम अब बनाते ना घर को पता रहता भाई कि थोड़ा सा ऐसे गाड़ियों का भगवान की दया से बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, थोड़ी बहुत तगड़ी प्लानिंग से बनाते घर को। लेकिन ये घर 2011 में बन गया था हमारा, इसकी वजह से थोड़ा प्लान कर नहीं पाए थे, तो एक गाड़ी के हिसाब से बनाया था। वहाँ भी वेट करनी थी भाई, टाटा सॉरी थैंक यू।